वेलकम टू फॉरेंसिक टेक। आज हम जानेंगे साइबर एक्सपर्ट के बारे में। क्यों हमें साइबर एक्सपर्ट्स की जरूरत है? इंटरनेट का सबसे पहला इस्तेमाल 1969 में हुआ था। तब से लेके आज तक इंटरनेट और इंटरनेट की दुनिया ने बहुत प्रगति की है। दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर इनियाक से लेके आज के जमाने के तेज तरह स्मार्ट कंप्यूटर तक 56 kbps की इंटरनेट स्पीड से लेके 27.40 मेगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड तक इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज हम इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे नामुमकिन काम को मुमकिन कर पाए हैं, जैसे कि दुनिया के किसी भी कोने में अपना डेटा सेकेंड्स में पहुंचाना, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से लाइव वीडियो कॉलिंग से बात करना। हर तरीके की जानकारी का खजाना अब हमारी मुट्ठी में है। वो कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैसे ही इंटरनेट ने एक तरफ जहां इतनी सारी सिद्धियां हासिल की है, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट के साथ जुड़े क्राइम भी बढ़े हैं। डे बाय डे साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं और साइबर क्रिमिनल भी स्मार्ट बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाने से लेकर बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों को चलाना सब इंटरनेट पर हो रहा है। साइबर क्राइम जैसे कि हैकिंग, वायरस डिसेमिनेशन, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, लॉजिक बॉम्ब्स, फिशिंग, ईमेल बॉम्बिंग एंड स्पैमिंग, वेब चेकिंग, साइबर स्टॉकिंग, डेटा डिटेलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, सलामी स्लाइसिंग अटैक, सॉफ्टवेयर पायरेसी, डेटा थेफ्ट, साइबर बुलिंग, पोर्नोग्राफी, साइबर टेररिज्म, ड्रग ट्राफिकिंग, मालवेयर अटैक्स, रैंसमवेयर, क्रिप्टो जैकिंग, जैसे बहुत सारे क्राइम से हम घिरे हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले चलो उसके कुछ न्यूज देख लेते हैं। तो जैसे हमने देखा, आजकल बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं। तो जैसे जैसे साइबर क्राइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्राइम से बचने के लिए, उसे साबित करने के लिए हमें कंप्यूटर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। साइबर एक्सपर्ट क्राइम सीन से एविडेंस को कलेक्ट करके उसका एग्जामिन कर क्रिमिनल को पकड़ते हैं। इंटरनेट से जुड़े एविडेंस को कलेक्ट करना और क्रिमिनल को पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स इस काम को बड़ी आसानी से कर लेते हैं और क्रिमिनल को सजा दिलाने के लिए कोर्ट की मदद करते हैं। साइबर एक्सपर्ट्स वाइट हैट हैकर्स होते हैं, जो कंप्यूटर एंड इंटरनेट के बारे में आम इंसान से ज़्यादा जानकारी रखते हैं और वे जानते हैं कि उसे कैसे यूज़ किया जा सकता है क्रिमिनल को पकड़ने में। साइबर एक्सपर्ट्स डेटा रिकवरी से लेकर क्रिमिनल की लोकेशन का भी पता लगा लेते हैं। अगर क्रिमिनल ने अपना डिवाइस फॉर्मेट भी कर दिया, तब भी वे उसे रिट्राइव करके उस एविडेंस को कोर्ट में पेश कर सकते हैं। साथ ही में अगर कोई क्रिमिनल कहीं पे छुप के कंप्यूटर के जरिए क्राइम कर रहा है, तो उसके आईपी एड्रेस के जरिए उसकी जियो लोकेशन का पता लगा के उसको पकड़ा जाता है। हमने ये भी देखा कि आजकल ऑनलाइन गेम की वजह से भी बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है। पबजी, फ्रंटलाइन, ब्लू वेल, GTA वाइस सिटी और मोमो चैलेंज जैसी गेम की वजह से भी आजकल बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं।
गेम का एडिक्शन इतना बढ़ गया है कि आजकल की युवा पीढ़ी उसके लिए कुछ भी कर रही है, यहाँ तक कि मर्डर और सुसाइड भी। चलिए हम उसका एक ताजा उदाहरण देख लेते हैं। हमने देखा कि एक लड़के ने गेम की वजह से उसकी फैमिली ने गेम नहीं खेलने दिया, उसकी वजह से उसने उसकी फैमिली को मार दिया। यहाँ तक बहुत सारे लोगों ने तो इस गेम की वजह से सुसाइड भी कर दिया, बिकॉज उसको खेलने नहीं दिया जा रहा था, और बहुत सारे लोग मानसिक तौर पे बीमार भी हो चुके हैं। हम फॉरेंसिक टैलेंट्स के जरिए स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस में जाके इंटरनेट सेफ्टी के सेमिनार भी करते हैं, ताकि आपको इंटरनेट को सही और सेफली कैसे यूज करें वो जानकारी दे पाए। साथ ही में अगर कोई किसी भी तरीके का मोबाइल गेम एडिक्शन या सोशल मीडिया एडिक्शन का शिकार है तो हम उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारे ईमेल आईडी forensictalents@gmail पे संपर्क करें, या तो हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Hope this information will help you. If you like this video, please do press like button. If you find it helpful, then please share with others and spread the knowledge. And if you want this kind of more information about forensic related subject, then please subscribe the channel and press the bell notification icon to get latest update. Then see you in the next video. Till then, stay tuned to Forensic Talents for gaining your knowledge to improve your talents.